एमपी का फेमस डिश है ये भुट्टे का केस। तो आज मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल सुषमा आज किचन। मैं हूँ सुषमा। आज मैं आप लोगों के साथ भुट्टे का केस की रेसिपी शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। भुट्टे का केस बनाने के लिए यहाँ पर देखिए मैंने भुट्टे को छील लिया है और ये देखिए मैंने 3 से 4 भुट्टे को ले लिया है। आप अपने फैमिली मेंबर्स के अनुसार भुट्टे को ले लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने पानी गर्म करने के लिए दे दिया है और पानी जब हल्का बॉयल हो जाएगी तब इसमें मैं भुट्टे को बॉयल होने के लिए दे दूँगी। तो ये देखिए पानी बॉयल हो गई है। तो अब मैं इसमें देखिए भुट्टे को तोड़ कर 2 पीसेज में इसका करके इसको मैं बॉयल करने के लिए दे रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने सभी भुट्टे को बीच से तोड़ कर इसको बॉयल करने के लिए दे दिया है और इसे अब ढक दे रही हूँ। ये देखिए बॉयल होने के बाद मैं इसे इस तरह से ग्रेट कर लूँगी और अगर मिक्सी है तो मिक्सी में आप इसे इस तरह से हल्का दरदरा पेस्ट बना लीजिएगा। पेस्ट बनाने के बाद ये देखिए कढ़ाई में मैंने तेल गर्म करने के लिए दे दिया था और सरसों का फ़ोरन दे दिया है। सरसों चटक गई है तब मैंने इसमें जीरा दे दिया है। जीरा भी जब चटक जाएगी तब मैं इसमें सौंफ दे दूंगी 1/2 टीस्पून। और उसके बाद गैस का फ्लेम को मैंने एकदम सिम करके रखा है। अदरक को मैंने ग्रेट करके दे दिया है और अदरक जब भुना गई है तब मैंने इसमें हरी मिर्च अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसमें दे दिया है। इसे आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए फ़ौरन रेडी हो गई है। तब मैंने इसमें एकदम पिंच ऑफ हींग का पाउडर इसमें ऐड कर दिया है। इसे भी आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है और उसे भी मिला लिया है। ये सब जब दे रहे हैं तब गैस का फ्लेम को एकदम लो रखेंगे फ्रेंड्स, नहीं तो जल जाएगा सूखा मसाला। हल्दी पाउडर मिलाने के बाद मैंने इसमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट लाल मिर्च पाउडर दे दिया है। इसे भी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए लाल मिर्च पाउडर देने के बाद इसे मैं मिला ले रही हूँ। गैस का फ्लेम को एकदम लो रखिएगा नहीं तो ये पाउडर वाले मसाला जल जाएंगे। उसके बाद मैं इसमें भुट्टे को जो पेस्ट कर के रखी थी वो इसमें डाल दे रही हूँ। आप चाहें तो ग्रेट भी कर सकते हैं, चाहे तो इस तरह से दरदरा पेस्ट भी कर सकते हैं। भुट्टे का पेस्ट देने के बाद ये देखिए मैं इसे मिला ले रही हूँ। अच्छे तरीके से मिलाने के बाद 10 से 15 मिनट इसे मैं पकाऊंगी। पकाने के बाद इसमें देखिए रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ 1 कप दूध में ऐड कर दे रही हूँ। जो दूध आप जनरली अपने घर में यूज करते होंगे लेकिन वो रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, ना ठंडा ना गर्म, ठीक है। अब दूध ऐड करने के बाद इसे देखिए खुंती की सहायता से मैं इसे मिला ले रही हूँ और उसके बाद इसे भी 10 मिनट में ने पकाया है। पकाने के बाद ये देखिए इसमें जायफल थोड़ा सा मैं ग्रेट करके दे रही हूँ। इससे बहुत अच्छा इसमें स्वाद आता है फ्रेंड। उसके बाद मैंने इसमें जायफल को भी मिला दिया है। जायफल मिलाने के बाद अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसमें मैं अब नमक ऐड कर दे रही हूँ। नमक को भी मैंने मिला दिया है। नमक मिलाने के बाद इसमें अब मैं थोड़ा सा चीनी ऐड कर दूंगी।
जो टेस्ट को बैलेंस कर देगी, क्योंकि इसमें बहुत मसाला और खटाई ऐड होते हैं, इसलिए इसमें मैंने चीनी ऐड कर दिया है। आप चाहें तो चीनी स्किप भी कर सकते हैं। चीनी मिलाने के बाद मैंने देखिए इसमें धनिया पत्ता दे दिया है। धनिया पत्ता देने के बाद जब आप इसे उतारने लगेगा तब इसमें नींबू का रस दे दीजिएगा अकॉर्डिंग टू टेस्ट। उसके बाद गैस का फ्लेम जो एकदम सिम करके रखे थे उसे अब बंद कर देंगे। गैस का फ्लेम बंद करने के बाद नींबू का रस ऐड करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, नींबू का रस मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद इसे अब मैं सर्व करूँगी। ये देखिए एमपी का फेमस स्ट्रीट फूड रेडी हो गया है। इसे आप अपने घर में ज़रूर से ट्राई करिएगा। पसंद आए तो इसे लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी।